राजीव बंसल हांसी की आवाज से एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। मुखातिब हूँ इसलिए कि आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनैलिटी आई है, एक ऐसे व्यक्तित्व आई है जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। चौधरी देवीलाल, जगत ताऊ देवीलाल, जिनका नाम पूरे विश्व में जाना जाता है, एक जमीन से जुड़े हुए, एक धरातल से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने युग और युगांतर तक पूरे हरियाणा प्रदेश का नाम विश्व तक पहुँचाने का एक एक्सपेडिशन उठाया। चौधरी देवीलाल जी एक मील के पत्थर थे, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर, उन्हीं के कदमों पर चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष JGP के अजय चौटाला जी, जिन्होंने राजनीति में कदम रखा, अपने पिता के साथ भी और दादा के कदमों के कदम मिलाकर उन्होंने राजनीति शुरू की। उसके बाद एक डायनेस्टी चली, एक लेगेसी चली राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी के बड़े लड़के दुष्यंत चौटाला जी राजनीति में उनका पदार्पण हुआ और वो एक यंग पार्लियामेंटेरियन हिसार लोकसभा से चुनाव लड़कर MP भी बने। सौभाग्यवंश आज हमारे बीच एक ऐसी विधायिका, जिसे मैं पूर्व विधायिका कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हाल ही में इन्होंने अस्तीफा दिया, अजय चौटाला जी की धर्मपत्नी, पूर्व लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट सांसद दुष्यंत जी की मातेश्वरी नैना चौटाला जी, JGP की नेता। आइए इनसे बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में कि आज के प्रिवेलिंग सिचुएशन, राजनीतिक गलियारे में JGP की क्या पोजीशन है, JGP क्या किसी से समझौता करके चुनाव लड़ेगी। पिछले दिनों इन्होंने बाई इलेक्शन भी लड़ा जींद में और हिसार लोकसभा का चुनाव यहाँ लड़े, 3 सीटों पे चुनाव लड़ा था तो उसमें भी थोड़े से मार्जिन पे दुष्यंत चौटाला हारे। अब प्रदेश में एकदम से राजनीतिक घटनाक्रम बदल गया और BJP अब की बार 75 पार का नारा लगा के चल रही है। हम जानना चाहेंगे कि BJP को रोकने के लिए या BJP का मुकाबला करने के लिए JJP ने क्या क्या तैयारी की, क्या किसी से समझौता करके चल रही है। ये सब बात, सीधी बात हम करते हैं नैना चौटाला जी से, जो हरी चौधरी चौपाल अक्सर ऑर्गेनाइज करती है, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को राजनीति में लाना, विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो अक्सर लड़ती रहती है। आइए उनसे बात करते हैं। आप हैं नैना चौटाला जी। जी, स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे हांसी की आवाज़ में, थैंक यू जी। नैना जी, आपने बहुत विषम परिस्थितियां देखी हैं पार्टी, परिवार दो पार्ट हुआ, इन्हें लो एक जगह हुई, उससे निकल कर JJP में आपके पुत्र यंग डायनामिक दोनों पुत्र राजनीति में आए, कि उन्होंने सोनीपत से चुनाव लड़ा और एक आपके सांसद पुत्र दुष्यंत चौटाला बहुत विनम्र नेचर, उन्होंने भी चुनाव लड़ा और JJP में कुछ खास नहीं। अब प्रदेश का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और BJP राज अलाप रही है लोकसभा की तर्ज पर, अब की बार 75 पार को 90 पार की भी बात करते हैं, हालांकि 90 सीट है, 90 तो पार क्या करेंगे। तो ऐसी ऐसी नैरेटिव्स, ऐसे ऐसे स्लोगन्स हैं। JJP को आप कहाँ अपने आप को पाती हैं? देखो, JJP बने हुए शायद अब अक्टूबर दिसंबर में 10 महीने हुए हैं और 10 महीनों में मैं यही कहूँगी कि जननायक जनता पार्टी जो है उसने कड़ी मेहनत करके आज अगर BJP का कोई विकल्प है, अगर वो अपना कंपटीटर किसी को मान दे तो जननायक जनता पार्टी को मानते हैं। और ये कड़ी मेहनत जो है, मैं कहूँगी कि पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, उन्हीं की वजह से आज BJP बहुत ऊँचे मुकाम पर है। आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने जीत बाय इलेक्शन में एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ आम आदमी पार्टी ने आपको पीछे से समर्थन दिया और उसके बाद फिर लोकसभा में आम आदमी पार्टी के साथ आपका समझौता ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद अभी BSP के साथ आपका समझौता हुआ, 27 दिन का समझौता हो गया।
क्या जेजीपी को बार बार बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी? देखो बैसाखियां नहीं होती, राजनीति जो होती है उसमें यही होता है, एक तो पार्टी नहीं है बिल्कुल, तो आदमी को मतलब हर कार्यकर्ता को ये लगता है भी बिल्कुल नए होने के बावजूद अगर कोई साथ मिल के हमारा साथ दे रहा है तो समझौता करने में कोई बुराई नहीं होती। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो अगर तोड़ा है समझौता तो आम आदमी पार्टी ने तोड़ा है, जननायक जनता पार्टी ने नहीं तोड़ा। कहीं कोई कमी अगर आप उनसे पूछ के बता दो भी यहाँ जननायक जनता पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है या कोई किसी वर्कर का किसी वर्कर के साथ कोई धोखा हुआ है, उन्होंने अपनी मर्जी से तोड़ा और किया तो अच्छी बात है, साथ एक और एक ग्यारह मिल मतलब मिलके चलने में क्या बुराई है। उसके बाद अगर बहुजन समाज पार्टी की हम बात करें तो भी समझौता होने के बाद में अगर दोनों साथ मिलके चल रहे तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति में अगर आप किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलके चल रहे हो तो बुराई है, मुझे तो लगता नहीं। अगर साथ चल रहे हो, अगर आपके विचार मिल रहे, विचार मिलने के बाद समझौता हुआ, अब अगर समझौता तोड़े तो बहुजन समाज पार्टी नहीं तोड़ा है, जननायक जनता पार्टी की तरफ से या हमारे किसी सीनियर प्रेसिडेंट या जो भी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उनकी तरफ से दुष्यंत दिग्विजय और मेरी तरफ से अगर बहुजन समाज पार्टी का कोई भी एक सिंगल मेंबर ये कहते हैं हमें इनसे शिकायत थी, इनकी वजह से हमने समझौता तोड़ा, तो नहीं, वो उनके खुद के कोई अंदर पता नहीं, वो तो बहुजन समाज पार्टी बता सकती है कि हमने जननायक जनता पार्टी से समझौता क्यों तोड़ा। आपने नहीं तोड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ा हम लोगों ने, हमारी तरफ से कोई समझौता नहीं तोड़ा। बिल्कुल उनके लेटर साइन किए हुए हैं मायावती जी के बकायदा, भी 40 पे हम लड़ेंगे 50 पे वो लड़ेंगे, मुझे नहीं मालूम भी दो दिन में उनमें क्या उथल पुथल मची है, वो तो मायावती जी बता सकती हैं या तो ये उनके हरियाणा के लीडर्स बता सकते हैं। यानी कि आपको नहीं पता जिससे समझौता है, चलो नहीं पता होगा, ये अलग बात। बीजेपी कहती है आपकी बात छिहत्तर पार पचहत्तर पार 90 पार, तो आपको क्या लगता है? ये तो सीट्स 90 है तो मुझे लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी है ना, ये ऐसी बातें जब अति आत्मविश्वास होता है ना तभी बोलते हैं, तो बीजेपी कहीं ये करती करती मुझे लगता है महीना बचा इलेक्शंस का कि 10 एक दिन तो ये ना कहते कि हम 90 में से 100 लेके जा रहे हैं। अच्छा। तो ये अति आत्मविश्वास है बीजेपी का, धरातल पे लोग बताएंगे कि 75 पार है या कुछ और है। नैना जी आप तो एक गृहिणी रहे हैं, अनायास आपको डबवाली से विधायक जी जी एक गृहिणी से एक राजनीति में आए, बच्चों को दोनों को आपने राजनीति में उठाया, आपके पीछे बिल्कुल एक यानी कि लेवल लगता है, थोड़ा सा मैं आपको कठिन समझू क्योंकि आप परिवारवाद की राजनीति तो नहीं करते हैं, यानी अजय चौटाला जी थे, ओम प्रकाश चौटाला जी थे, उससे पहले देवीलाल जी थे, अजय चौटाला जी भी रहे जब इकट्ठे थे, उसके बाद आपके दोनों पुत्र चुनाव लड़े, एक पुत्र आपका एम पी बना, आप विधायक बने, तो इसमें एक डायनेस्टी एक परिवारवाद की बात नहीं आती है? ये परिवारवाद की तो बात जब आए ना, जब मैं पीछे से पॉलिटिक्स करती आती हूँ, मेरी शादी को तो 32 साल हो गई, मैं तो जिन परिस्थितियों में आई हूँ राजनीति में वो मुझे लगता है राजीव जी आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। अजय जी जेल गए उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ, और मैं भी मतलब इसमें बिल्कुल नहीं कह सकती कि परिवारवाद है। अगर आप बच्चों को सोच रहे हो कि जननायक जनता पार्टी बनी है तो ये अगर पार्टी से बच्चों को नहीं निकालते तो शायद नई पार्टी का जन्म भी नहीं होता। तो मैं तो परिवारवाद के बिल्कुल इसमें आपके सहमत नहीं हूँ कि मैं परिवारवाद करवा रहा हूँ। परिवारवाद के बिल्कुल मैं नहीं 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 बिल्कुल, ये तो परिस्थितियों ने सब कुछ ऐसा खेल खेला है कि मैं यही कहूँगी कि शायद समय बुरा था, ये दौर जो है ना विनाश काल है, विपरीत बुद्धि सबके लिए। ये तो बहुत बड़ी बात की, आप बड़ी मुखर होकर बोलती थी जब यानी कि इंडिया से आपका विभाजन हुआ आपके बीजेपी के, तो आप ही पे सब आरोप लगाते थे कि भी सारी की सारी यानी कि जो अलग करना पार्टी इंडिया से अलग होना नैना चौटाला जी की ही वजह से सारा आपके ऊपर छोड़ दिया गया, क्योंकि जो बोलता था वो मेरा देवर है। अच्छा। और मैं भाभी होगी। अच्छा। तो ये तो रिश्ता ही ऐसा हो गया कि और किसके ऊपर लगाएंगे वो, और आप अजय जी तो जेल बैठे हैं जिनको उन्होंने पार्टी से निकाला था, अब बच्चे कुछ बच्चों की माँ तो मैं ही हूँ ना, मुझे तो नहीं लगता कि इन आरोपों से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है। जो हमने मेहनत करनी है देखो पहले भी करते आ रहे थे 5 साल से हम लोग पार्टी के लिए, और जितने भी आज जननायक जनता पार्टी की पहले पार्टी एक ही होती थी, सारे इकट्ठे मेहनत करते, आज वो नई पार्टी बन गई उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों ने तो मेहनत करनी है, जनता जनार्दन का फैसला है कि वो किसको वोट देंगे नहीं देंगे वो जनता का फैसला होता है, क्योंकि लीडर जो है वो घर से लीडर नहीं बनता,
जनता जनार्दन ही उसको नेता बनाती, घर से कोई भी नेता नहीं बन सकता। अभी आपने बताया कि आपने अपने आप आपसे अलगाव कर लिया, आप डीएसपी ने भी अलगाव, क्या अब तीसरी बार किसी पार्टी से आप समझौता करने जा रहे हैं? नहीं, अब जननायक जनता पार्टी जो है वो बिल्कुल अपने दम पर, अपने संघर्ष पर इलेक्शंस लड़ेगी। और हमारे कार्यकर्ता देखो, ये तो अभी मुझे लगता है 27 डेज हुए 25 डेज हुए, 27 दिन हुए, तो पहले भी तो जननायक जनता पार्टी अपने दम पे ही सारा कुछ कर रही थी। हो गया, मैं ये नहीं कहूँगी कि क्यों हुआ, हमारे लिए बुरा हुआ, नहीं। देखो शायद ये भी लिखा हुआ था इनसे समझौता होना सब कुछ, मैं डेस्टिनी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। हाँ, तो इसको बहुत ज़्यादा मानती हूँ मैं भी, जो समय लिखा होगा आप उसको टाल ज़्यादा है बिल्कुल, तो ये सब शायद लिखा हुआ था होना, और ये टूट भी गया। और हमारे कार्यकर्ता इतने सक्षम हैं कि वो अकेले अपने दम पे इलेक्शन। आज मैंने बहुत एक सॉफ्ट सी स्टेटमेंट जो दुष्यंत की तरफ, उन्होंने बड़े अपने यानी कि इमोशनली सीन के इमोशन से भावुकता की संवेदना की स्टेटमेंट मैंने आज पढ़ी है कि मेरे दादा को प्रकाश चौटाला का मैं उतना ही आदर करता हूँ, और वो मेरे दादा जो परदादा के जो भाई रहे या दादा के प्रकाश सिंह बादल जी, अगर वो किसी भी यानी कि निर्णय पे पहुँचे होंगे तो मैं उनका सम्मान करूँगा। ये क्या एक संकेत है कि भी इनेलो और जसपा का एक परिवार का उन्हें मिलन होने का संकेत तो नहीं है? देखो पिताजी जो है वो हमारे लिए पहले भी सर्वोपरि थे, क्योंकि वो हमारे परिवार के मुखिया हैं, और मैं कहूँगी जब तक हम लोग हैं हमारे लिए पिताजी हमेशा सर्वोपरि है, उनकी हर बात हमारे लिए सर्वोपरि है। और जो प्रकाश सिंह बादल का कहूँगी तो पिताजी वो दोनों धर्म भाई हैं, उनकी बात भी पिताजी जितनी ही सर्वोपरि है। अब किसी एक्सटेंट तक मैं आपसे बहुत अंदर की बात पूछ रहा हूँ, किसी एक्सटेंट तक इनेलो और जेजेपी पुराना यानी कि एक दोबारा से मिल सकते हैं क्या? देखो ये पार्टी का नहीं, मैं देखो अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, और आप हाइपोथेटिकल जवाब भी दे सकते हैं। नहीं, मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि मैं पार्टी में शामिल जरूर हुई हूँ, पर अभी तक मेरे हिसाब से, मुझे नहीं मालूम कि मेरे पास ऐसा कोई पद नहीं है कि मैं किसी के अलायंस की बात कर सकूँ। ठीक है, पार्टी का अलायंस किससे क्या होना है, पारिवारिक बात मैं कर सकती हूँ, हर मुझे अथॉरिटी है, हाँ सामाजिक पहलू की कर सकती हूँ, हमारे परिवार की कर सकती हूँ, पर पॉलिटिकल बात जो है वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष ही कर सकते हैं, उनको। चलो भूपेंद्र हुड्डा जी की बात कर लीजिए, उन्होंने अभी 18 अगस्त को परिवर्तन लेने की जी एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो, समानांतर मैनिफेस्टो लगा दिया कांग्रेस ने, ये कर देंगे ये कर देंगे और हम सब कुछ करते हैं ऐसा, फिर कांग्रेस में आ गए। क्या लगता है कि कांग्रेस का हश्र ऐसा ही रहेगा या शैलजा जी के आने के बाद कुछ उभर के आएगी, आपके साथ ट्राइंगल फाइट करेगी? देखो कांग्रेस में जो फूट है वो जो की जो है, हुड्डा जी ने बहुत गिदड़ भौंकियाँ थी, उनकी एक नहीं चली, उन्होंने यहाँ तक कह दिया भी मैं पार्टी छोड़ूंगा, ऊपर से हाईकमान ने भी कह दिया भी छोड़ दो, पर उनको ये लगा भी अभी इन हालात में नहीं हूँ, क्योंकि महीना ही बचा इलेक्शंस का, अगर वो पार्टी भी बनाते तो देखो बहुत मुश्किल चीज़ है, एक महीने में आप सक्षम नहीं हो सकते, सक्षम नहीं हो सकते, सर्वाइव नहीं हो सकते, तो उनकी ना सुन के लास्ट में कांग्रेस ने बात को किसी तरह सेटल करने के लिए शैलजा जी को बना दिया। तो मैं शैलजा जी के लिए तो ऐसा कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि वो भी मेरी तरह एक महिला है। और बाकी कांग्रेस का अगर देखो तो अंदर की फूट है, वहाँ किरण चौधरी जी नहीं पहुँची, उधर से तंवर जी नहीं पहुँचे, वो गुट ही सिर्फ चंडीगढ़ पहुँचा जो रैली में था, तो उस गुट से अगर कुछ होता तो फिर हुड्डा जी सारा कुछ कर ही ना लेते, तो ये मीठी जो गोली होती है वो उनके मुँह में थमा दी, तो इसको चूसते रहो और कांग्रेस के लिए काम करते। चलो भाजपा में, चलो भाजपा में, चलो भाजपा में, डेढ़ साल लगी है कि जो भी है कि चलो तो कई आपकी पार्टी के भी कई चले गए हैं, कांग्रेस के भी छोड़ के चले गए हैं, क्या क्या भाजपा इतनी और कॉन्फिडेंट हो के 90 सीट ले जाए, इतनी 75 पार चली जाएगी, या फिर इसके जत को जेजेपी कहाँ थामे और किन किन इश्यूज़ पे थामे? देखो बीजेपी का रथ जो है वो थामने में सक्षम जननायक जनता पार्टी है, आज जितने भी इनके कारनामे हैं, चाहे वो अभी एसडीओ भर्ती का था वो दुष्यंत ने उठाया, भी 80 में से 72 जो है वो बाहर के लिए, सिर्फ दो हरियाणा के, अगर इनका कोई और भ्रष्टाचार है वो सारा अब तक मुझे लगता है 5 साल में अगर किसी ने उठाने का काम किया है
तो वो दुष्यंत चौटाला ने और जननायक जनता पार्टी के वर्कर्स ने और लीडर्स ने किए। बाकी आप कांग्रेस का देख लो, हुड्डा जी को आप खुद देख लो कि लोकसभा के इलेक्शंस के बाद में आज तक उन्होंने अगर एक बारी भी बीजेपी के खिलाफ बोला, इनेलो देख लो अगर एक बारी भी इनेलो इनके खिलाफ बोली, और जो कुछ कोई पार्टियां हैं लोजपा है कोई और है कोई भी आदमी इनके, ये सब अंदर खाते एक हो रहे हैं। और एक जननायक जनता पार्टी जो है वो पूरे हरियाणा की आवाज़ उठाने का काम कर रही है आज के दिन। धारा 370 पे आपका क्या स्टैंड है? नहीं, वो अच्छा काम है, उसके लिए मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा है। अगर श्रीनगर में लोगों को आज़ादी मिल रही है, अगर वहाँ कुछ हो रहा है, तो ये लोगों के हिसाब से बहुत अच्छा काम है मोदी जी। क्या मोदी फैक्टर प्रदेश में चलेगा या प्रदेश के इश्यूज अलग होते हैं तो स्टेट के इश्यूज? देखो, लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन दिन रात का फर्क होता है। वो लोकसभा के इलेक्शन था, लोकसभा के इलेक्शन भी मैं कहूँगी कि 10 के 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आज के दिन जी, आप किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं जानते, गांव में लोगों से कोई मिला नहीं। मैं तो मेरे सिरसा हल्के में कहूँगी कि आज तक जीतने के बाद सुनीता दुबल को लोगों ने देखा नहीं। तो ऐसे आप हिसार उठा के देख लो, चाहे आप भिवानी उठा के देख लो, सिर्फ मोदी जी के नाम पे उन लोगों को वोट मिले। और राहुल गांधी मोदी जी को देखते हुए मैं तो खुद कहूँगी कि राहुल गांधी से 1000 गुना बेटर नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके चेहरे को वोट मिले लोकसभा के। अब लोग देंगे काम को वोट। आप ये कहते हैं हमने 2 लाख लोग बच्चों को रोजगार देना है, कहाँ गए वो जब 80 में से 78 भारत के लग रहे? तो हरियाणा के बच्चे क्या इतने काबिल नहीं है हमारे? राहुल गांधी भी दुष्यंत से बने हैं, फिर भी पप्पू कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं? देखो, मैं किसी के लिए कभी छोटी बात नहीं, बीजेपी कहो चाहे कुछ भी कहो, ये देखो ये छोटी छोटी बातें ना लीडर्स को वैसे नहीं कहनी चाहिए। मैं तो इस हद में हूँ, आप पॉलिटिशियंस हो, अगर वो पप्पू है तो वो अपनी माँ के लिए होगा, पब्लिक के लिए। तो देखो, उसकी माँ ने उसको लीडर बना के बेचा है, ठीक है, वो आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, तो आप कुछ और बोल दो। ये पप्पू शब्द हालांकि शायद बंद हो गया अब, तो ऐसे मैं तो आपसे भी कहूंगी कि आप ना ही पूछो। नहीं, मैं तो और स्टेटमेंट करता हूं, जी कहता हूं उनको, राहुल कहता हूं, आप भी पप्पू ना बोलिए, इंदिरा गांधी जी का उनको पुत्र कहता हूं, बड़े डायनामिक पुत्र। बिल्कुल, वो भी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते, कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। हाँ ठीक है, वो पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं हुए। प्रदेश में बीजेपी ने बहुत काम किया, बताते हैं कि हमने ये कर दिया, उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ सिलेंडर्स बांट दिए हैं, वो कर दिया है। आपको लगता है कि प्रदेश में बीजेपी ने बहुत काम कर दी और काम के और विकास के बलबूते पर दोबारा रिटेन करेगी? देखो, सिलेंडर के लिए मैं आप लोगों को कहूँगी, अभी पीछे मैंने मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर की है, डबल यात्रा जो है, मैं जब ये बहन जी भी मेरे साथ थे, हम लोग गाँव में जाते तो औरतों से बात पूछते कि जो आपको सिलेंडर मिले आप कितने पूछो, तो औरतें कहती जी ये डिब्बे तो हमें दे दिए, अब भरवाएं किस चीज़ से? तो उनको ये नहीं पता बेचारी भोली औरतों को कि जिस चीज़ से आप इनको भरवा रहे हो, जो सब्सिडी आपकी बैंक से काटी जा रही है, काटे तो उन्हीं के पैसे जा रहे हैं ना। पर औरतें आज के दिन, उनको ये नहीं पता कि नरेगा कौन चलाता है गांव में, महिलाएं, उनको जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब महिलाओं को ये नहीं पता कि भी सिलेंडर अब ये भरेगा कैसे, अगर तुम भरवाओगे तो जो सब्सिडी है वो तुम्हारे पैसे कट रहे हैं, नरेगा कौन चलाते हैं? मुझे औरतें कहती है, मैं जब गांव में जाती हूँ तो कहती जी आपने नरेगा बंद कर दी, मैंने कहती मेरी बैड मैन ने नरेगा बंद नहीं करी, नरेगा मुख्यमंत्री चलाते, कहते नहीं जी नरेगा तो आप चलाते हो। तो औरतें जागरूक नहीं है अभी गांव की। आप हरी चुनरी चुपा चलाते हैं, बड़ी महिलाओं को सशक्त करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं और महिलाओं को जेजेपी में आने का उनको आह्वान भी करती हैं, हरी चुनरी चौपाल को कितना रिस्पॉन्स मिलता है? देखो, हरी चुनरी चौपाल से जिस हिसाब से पार्टी में महिलाएं जुड़ी हैं, उस हिसाब से मैं कहूँगी कि महिलाएं जागरूक, वो टैग आप पे ही है हरी चुनरी चौपाल। नहीं देखो, टैग तो मैं ठीक है, ये दुष्यंत का सुझाव था, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, पर मैं ये क्रेडिट जो है वो जहाँ जहाँ मैंने 52 महिला अभी तक हरी चुनरी चौपाल की है, मैं महिलाओं को दूंगी कि उन्होंने मेरा साथ बहुत ज़्यादा, अगर वो मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं पहुँचती। लास्ट पर्सन आपसे, बीजेपी जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात करती है, क्या आपको प्रदेश में करप्शन की नज़र नहीं आती? इन्होंने कान सीधा पकड़ने की बजाय बहुत घुमा के पकड़ा है, आज करप्शन उसी तरह है, ये झूठ सिर्फ मीडिया के मार्फत लोगों को एक दिमाग में बिठा दिया कि बीजेपी करप्शन, आज भी बीजेपी बहुत ज़्यादा करप्टेड पार्टी। किस मायने में?
आप जो रोड्स बन रही है गांव में, आप जाके देखो आज रोड बन रही है वो ठेकेदार बनवा रहे, वो करप्शन की निशानी है ना, कि दूसरे दिन आप जाओगे तो वहां उतने बड़े आपको खड्डे मिल रहे हैं। कोई काम ये कहते हैं कि सीएम विंडो में लगा दो आपका, मतलब साथ के साथ सुनवाई, कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो सीएम विंडो में लगाने के बावजूद भी उनके काम नहीं हो रहे। सीएम विंडो से भ्रष्टाचार कम हुआ है बताते हैं? नहीं, उनके कहने से कम हुआ होगा ना, आम पब्लिक में जाके पूछो ना आप, पब्लिक के व्यूज लो ना। ये तो अगर मैं मौजूदा सरकार में अगर शामिल होंगी तो मैं मेरे गीत गाऊंगी ना, उनके क्यों गाऊंगी, लोगों के, पब्लिक के दुख सुनो, लोगों के बीच में जाओ। मेरे खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्होंने कहा था कि कॉलेज बनवाएंगे, आज तक कॉलेज नहीं बना। इन्होंने कहा था कि एक हॉस्पिटल बनेगा, आज तक हॉस्पिटल नहीं बना। और आज तक हमारे तो हॉस्पिटल में डॉक्टर आते महीने नहीं रुकते, फिर ये भेज देते। दुष्यंत जी की पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एयरपोर्ट बन गया है सर, तो आवाज़ किसने उठाई थी स्टार्टिंग में? दुष्यंत चौटाला ने उठाई थी आवाज़। अब ये अगर नहीं, जो मौजूदा ट्रैक्टर पे ये लोग वापस कोई टैक्स वगैरह क्या लगा रहे हैं, आप इसके आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? 10 के 10 सांसद चुन के गए हो हरियाणा से, एक दुष्यंत चौटाला ने आवाज़ क्यों उठाई इस चीज़ की? मैं तो चालान के लिए आवाज़ नहीं उठाता, चालान कटने चालान का पैसा बढ़ गया। दुष्यंत ने जब ट्रैक्टर को टैक्स फ्री करवाया है, रोड टैक्स नहीं लगेगा, आज उसी ट्रैक्टर पर दोबारा वो टैक्स लगने जा रहे हैं, शायद लग भी चुके होंगे, मुझे इस चीज़ का इतना पता नहीं अभी भी, लगे हैं या लगा रहे हैं। तो आज 10 के 10 सांसद है, किसी एक सांसद को मुझे बता दो भी हरियाणा में ट्रैक्टर के खिलाफ आवाज़ उठाइए। और वो ट्रैक्टर है, अगर उसका टैक्स दुष्यंत ने छुड़वाया तो साल के आप ये सोचोगे कितने पैसे एक किसान के बच रहे हैं, और ये 2 मतलब 6,000 रुपये डाल के इतना गीत गा रहे हैं लोग। हम लोगों को पब्लिक के बीच में जाके बातें बता रहे हैं कि आप 6,000 के लिए खुश हो रहे हो, आप ये सोचो कि ट्रैक्टर की वजह से आपके साल में कितने 1,000 रुपये बच रहे हैं। चुनाव बिल्कुल मुहाने पे आ गया, आप क्या नारा लेके चल रही हैं, क्या एक स्लोगन लेके चल रही हैं कि चुनाव आप फतेह करें, जीते बीजेपी का मुकाबला करें? कोई आपका स्लोगन भी बना होगा, आपकी बार इन्होंने 75 पार कर दिया, आपने क्या क्या? देखो, जननायक जनता पार्टी का एक ही नारा है कि बेरोजगारी मिटा हरियाणा में। आज बेरोजगारी बिल्कुल, बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है। जननायक जनता पार्टी का राज आने पर किसानों का कर्जा माफ करेंगे जी, हरियाणा में बेरोजगारी जो है वो हद तक मिटाने का काम करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। आज एक घर में 4-4 बच्चे बेरोजगार होंगे, महिलाएं जो है वो आज के दिन हरियाणा में असुरक्षित है, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। शिक्षित हरियाणा, सुरक्षित हरियाणा, कर्ज मुक्त हरियाणा, बेरोजगारी मुक्त हरियाणा देने का। किसानों की पोजीशन तो अच्छी है आज के दिन, उसके बारे में बोले ना? नहीं, मेरी बात सुनो, आज के दिन जितने किसान धरने पे बैठे हैं, अच्छा, कपड़े उतार उतार के पानी में बैठ के, इससे ज्यादा और वो क्या प्रूफ देंगे आपको? कोई किसानों की जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। आज के दिन सबसे बड़ी मार जो है मैं कहूँगी हमारे यूथ पे पड़ी है, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, सबसे बड़ी मार जो है किसानों पे पड़ी है। आज उनको उनकी फसलों का मुआवजा नहीं मिल रहा, खाद नकली, बीज नकली, मैं कहती हूँ ये सरकार ही नकली है आज के दिन, बीजेपी सरकार जो है। ये थी नैना चौटाला जी, एक घरेली से विधायक बनी और विधायक से पार्टी में हरी चौपाल की एक लीड करने वाली नेता बनी। इनका कहना है कि ये सरकार ही नकली है बीजेपी, अब की बार 75 पार का नारा बिल्कुल झूठा रहेगा इनका, और जेजेपी ही बीजेपी का रथ थामेगी। 2 बार ये कह रही है कि हम धोखा खा चुके आपसे और बीएसपी से, उन्होंने अपने आप समझौता तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा है, अब हम सक्षम है यानी कि स्वयं चुनाव लड़ने की, 90 की 90 विधानसभा में, पूरी 90 की 90 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे। और जेजेपी की ये बड़ी आश्वस्त है कि जेजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी का रथ आप बिल्कुल रोकेंगे, बिल्कुल रोकेंगे हरिचंद्र चौपाल के माध्यम से भी हर तरीके से रोकेंगे, अकेले हरिचंद्र चौपाल से भी नहीं रोकेगा, महिलाएं मिलकर रोक, बिल्कुल महिलाओं को जागरूक करेंगे ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद नैना जी, आपने जो हमारे हांसी की आवाज़ चैनल पर आपने समय दिया, बेशकीमती समय दिया, आपका हरी चौपाल का टाइम भी हो रहा है। मित्रों, इसी तरह आप हमारे हांसी की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह हम आपको ऐसी ही पर्सनैलिटीज से, नैना चौटाला जी जो एक दुष्यंत चौटाला जी जो पूर्व में हमारे सांसद रहे और ये विधायक भी रही, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब ये पूर्व विधायक हो चुकी हैं और जेजेपी की एक अच्छी बड़ी नेता, महिला नेता के रूप में उभर कर आई हैं,
तो हम उन्हें आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप हांसी की आवाज़ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें बहुत मोहब्बत दी, प्यार दिया, स्नेह दिया और आपकी फीडबैक हमें मिलती रहती है। आपकी फीडबैक हमारे लिए भोरन मीठा का काम करती है। एक सृजनात्मक कार्यक्रम हम आपके पास फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आगे चाहता हूँ, कीजिए एक नए प्रोग्राम का इंतजार। तब तक के लिए राजीव बंसल का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।